मैं लाहौर में पढ़ती थी और लाहौर में बड़े झगड़े हो गए थे, फरवरी 1947 की बात है। मैं बीए कर चुकी थी, मैकेनिकल में पढ़ती थी, हिंदू सिख लड़की साथ साथ पढ़ते थे। पंजाब में झगड़े शुरू हुए, ख़ासतौर पर लेडी मैकेनिकल ट्रेनिंग कॉलेज, जहाँ वहाँ हिंदू सिख बहुत थे तो उनके साथ काफ़ी कुछ शुरू हो गया था, कॉलेज बंद हो गए थे। अब हम हिंदू सिख लड़की हैं, बाकी सब अपने घरों में चली गई। मेरा घर अम्बाला में था और मैं और दो तीन सिख लड़की हैं, एक दूसरे से डर लगने लगा। खैर बहरहाल वो तो चले गए। उसके बाद हम खैर ठीक ठाक रहा, मैं दिल्ली चली गई। जब पार्टीशन हुई तो उनकी सेलिब्रेशन में दिल्ली में मनाई, उनके जश्न वगैरह देखे, बड़े खुश। वापस आई अम्बाला में, हम लोग होते थे तो मेरे वालिद मुस्लिम लीग के थे, तो हमारे घर पे हमले होने शुरू हो गए। ही वॉज एन एडवोकेट, वेरी वेल नोन मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे अम्बाला डिवीजन के, तो लिहाजा हमारे घर पे कोठी पे हमले होने लगे। तो हमें सिखों ने आके बताया कि आपको कत्ल करने के लिए, पटियाला से स्टेट थी सिखों की, नाभा और पटियाला दो बड़ी स्टेट्स थी, तो आप यहाँ से निकले। तो हमने एक घर छोटा सा भी किराए पे लिया, अपना घर छोड़ के, खाना हमारा कोठी में पकता था, नौकर लेकर आते थे। तो वहाँ हमने कोई काफ़ी दिन, इतनी गर्मी, इतनी परेशानी, तो उसके बाद फिर हमें ट्रेन का मिल गया कि हमें जाना है। तो मुश्किल से जगह मिली, हमारे अंकल थे आर्मी में, उनकी वजह से हम वहाँ चले गए, उनके घर में कुछ देर रहे। उसके बाद हम स्टेशन पे पहुँचे कि गाड़ी जाएगी। अब अम्बाला स्टेशन पे, स्टेशन तीन रातें तीन दिन वहाँ पड़े रहे, ना बिस्तर था, ना कुछ था, ना तकिया था, एक चादर थी जो लपेट लेते थे। और वो सिखी जो हमारे, उन्होंने हमें मदद की, निकाला भी उन्होंने, बताया भी उन्होंने, फिर वो हमें खाना भी पहुँचाते थे, क्योंकि किसी ज़माने में उनका कोई कत्ल का केस था तो मेरे वालिद ने उनको किया था और एक जुमले में उनका केस ख़त्म करवा दिया था। जो कंसर्न था ये होता था कि कभी बचेंगे नहीं, कत्ल किया था। तो आखिर में वो बोले एक महीने के बाद कि जी आप तो केस कर ही नहीं सकते, केस तो दिल्ली डिवीज़न में वहाँ पे हुआ, तो आप तो फैसला ख़त्म हो गया। तो दे वर सो ग्रेटफुल दोज़ वर द सिक्स हु हेल्प्ड अस, कि हमें वहाँ से वो बाकायदा ट्रक में लाद के लाए, हमें ऊपर सिख लड़कों ने चादर को पगड़ियाँ बांध दी सिक्कों की तरह, और हमने उसी तरह साड़ियाँ वाड़ियाँ बांध के ट्रक में बक्से बक्से रख के, तो उसके मुश्किल से स्टेशन में पहुँचे। तो स्टेशन पे गाड़ी ना आए, जब गाड़ी आई हम गाड़ी में बैठे तो इतने परेशान कि सारी गाड़ी डब्बे जो थे खून में लथपथ थे, सारे छींटे पड़े हुए, जो इतने झगड़े हो रहे थे वहाँ पे। और कत्लो गारत अम्बाला में तो ख़ासतौर पर बहुत कत्लो गारत हुई, क्योंकि सिख आते थे ना वहाँ से। वहाँ से खैर हम आए तो अमृतसर में गाड़ी रोक ली गई, क्योंकि वहाँ पर एक और गाड़ी ट्रेल हुई थी वज़ीराबाद में, और दोनों गाड़ियाँ आर्मी की थी और वहाँ पर गोलाबारी हो रही थी। तो इधर हमारी गाड़ी जो थी वो भी आर्मी की गाड़ी थी, तो उधर से जो गाड़ी आ रही थी वो भी आर्मी की थी। तो दोनों जो क्रॉस करती तो डर ये था कि गोलाबारी हुई, बंदूकें चलेंगी, फायर, उनके पास तो पूरा सामान था ना, बिल्कुल उड़ जाएगा। तो हम दो दिन तीन दिन वहाँ उसमें पड़े रहे। उसके बाद मुश्किल से हम लाहौर ठहरे नहीं, लाहौर से पता नहीं सरगोधार कहाँ कहाँ हो गए, वाया मियाँ वाली, तो मुश्किल से वहाँ पहुँचे। तो इतने बुरे हालात थे, तो जब आए ना बक्सा था, ना कपड़े थे, ना कुछ थे, एक छोटे छोटे बस उल्लू, हमने सोचा दो चार दिन की बात है, ना बिस्तर थे, और जेब में थोड़े से पैसे थे जो घर पे थे वो ले आए थे, पैसे भी नहीं थे। और खैर वहाँ पे जाके हमारे एक अंकल थे, उन्होंने हमें कुछ जगह वगैरह दिलवा दी, तो बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पे आके सेट हो गए, लेकिन खैर बहरहाल सेट हो गए। तो ये उस वक्त बहुत बुरे हालात थे, आप इमेजिन नहीं कर सकते। जब हम रावी से गुजरे तो लाशें रावी में यूँ तैर रही थी, इतनी लाशें थी। इन लोगों के साथ उसकी मल्ला में रहता था, जब पार्टी शुरू हुई तो खूनरेजी हुई और लूट पूट हुई, मतलब कि इतना हिंदुओं के घर भी लूटे गए, मुसलमानों में, पाकिस्तान में, हरीपुर हज़ारा में पैदा हुआ। और इसमें जब अमृतसर का स्टेशन, कपूरथला का स्टेशन खून से भरा हुआ था, इतनी लाशें हुई, और माजर आते तो माजर को आबाद कैरी में हिस्सा लेते थे। अब पार्टीशन सब देखी है, वो पार्टीशन क्या है और पार्टीशन का ब्लेसिंग क्या है, और हिंदू से आज़ाद होना बड़ा जरूरी काम था। कादी आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदू के आज़ादी से मुसलमानों को आज़ाद कराया, वरना हम पढ़ नहीं सकते थे, स्कूल नहीं था, कार्य नहीं था,
और हिंदुओं को तालीम होती थी, मुसलमानों की तालीम ही होती थी। हम प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर हूँ, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज का रिटायर हूँ और दुनिया में नाम पैदा किया इस से पाकिस्तान के। ये तो मेरी किताब है पाकिस्तान क्यों, आपके लिए मैं देखूंगा कि आप देखेंगे। लेकिन पार्टीशन हमने देखी है और खूनरेजी देखी है और लाशें देखी हैं और तमाम चीज़ें देखी हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर एज यंग एज माय ग्रैंडडॉटर्स एंड ऑफ कोर्स द यंग मैन हु कम्पीट वेरी हैविली विद देम। एनीवे ऑल आई वांट टू टेल यू इज there are a lot of things to tell you, but I'll first go a year or so before the partition. I was a student in Islamic College Lahore. We had a student federation. It was presided by Mr. Rizvi and the secretary was Karshi. Mr. Karshia, whose house I have seen here while coming, they organized us into various teams. The first assignment we got was in 1946, elections were extremely important, that's what Qaidi Azam said himself, because he wanted to prove that Muslim League is the sole representative of Muslims in. So we were told to forget about your education and go in teams, to small teams, to various villages and so on. I was the team leader and I had about 4 or 5 people with me, and we went to Sheikhupura, and there we, Muhammad Hussain Chatta, he was fighting the election. In his constituency, we went and visited almost every village, including a village, the name of which was Tivana village. And as you know, Tivana is what they were. We used to go read or recite a naat or something in the middle of the town. People would gather around, we would convey our message to them. But when we went to Tumana's village, every day I used to report to Muhammad Hussain Chatta's home that today we did this and tomorrow we intend doing this. He said, don't go to, kya naam hai, my village ka naam liya tha aap kabhi, Tivana village, you will be thrashed. I said, if that is so, then I am going. So we went to that village. I had a couple of boys who could recite naat very well. So after recitation of naat, then I came and I on the air and actually we had a tonga with loudspeakers fitted on it. So we traveled all over in that tonga and we used that as the podium also. So I spoke to the people, conveyed our message, but suddenly I found far in the street 2 horses were galloping towards the center of the village, and they were the munshis of Tivana's. They came and thrashed not so much us, but our tonga and our tonga horse and so on, and then abused everyone who was listening to us, saying, go back to your homes. And the people were very worried because they were all tenants of Tivana's.
Anyway, that is one event I want to narrate to you. But then I was moved from there to Montgomery at that time. But on the day of polling, I went back. There was, of course, those days were boxes of various parties. So I went to that village where Tiwanas had given us thrashing. So I went to the polling station. There were a lot of people lined up for chit lene ke liye. And there were a few in the Muslim League candidate also for Chetha. I had told these fellows that you are afraid of these fellows. Don't worry, go and take a parchi from them. But when you go inside, nobody is watching you. You put your ballot paper in the green box. That's what Muslim League's box was. They had completely understood me. In fact, I, in detail, I had explained to them. When I went there, there was an old man sitting in the line, smoking a hookah. I went past him, and he winked very prominently. And I understood that he means, don't worry, I'm taking the parchi from here, but I'll vote for Muslim League.